हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है एवरी सैटरडे में पोजीशन ट्रेडिंग का स्टॉक आपके सामने लाता हूं, तो आज भी लाया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम नवजीत और मैं आज आपको प्रोवाइड करूंगा पोजीशन ट्रेडिंग का कुछ ऐसा स्टॉक जिनके हमसे अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो नेक्स्ट वीक। उससे पहले हम डिसाइड कर लेंगे, जो प्रीवियस वीक में मैंने आपको 5 स्टॉक प्रोवाइड किया था, 5 स्टॉक में से 3 स्टॉक ने हमको प्रॉफिट दिया है और 2 स्टॉक ने कोई भी ट्रेड जनरेट नहीं किया। इसका मतलब है हमको लॉस भी नहीं हुआ, प्रॉफिट भी नहीं हुआ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में गया। हम लोग जो एनालाइज करके निकालते हैं जो स्टॉक, मैक्सिमम ऑफ टाइम वो स्टॉक आपको प्रॉफिट ही देता है। ओके, बस आपको क्या करना होता है, स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलना है, रेशियो रेशियो को मेंटेन करके चलना है। इस बार भी मैंने आपके लिए अच्छा खासा 5 स्टॉक निकाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर, बिल्कुल ध्यान से देखना। ओके गाइस, और जो जो पॉइंट्स बोलता हूँ वो नोट करके रखना, अपने चार्ट पे अप्लाई करना, उसके बेस पे ट्रेड करना। उधर कंफर्मेशन कभी भी बाय मत करना, उधर स्टॉप लॉस कभी भी मार्केट में काम मत करना। ओके, सब प्रॉपर तरीके से काम करना, रूल फॉलो करना, तभी आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिट होगा। और अगर गाइज आपको वो सब जानना है जो स्ट्रेटेजी वगैरह के हेल्प से आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, तो प्लेज पे जाकर देख सकते हो। अच्छा खासा वीडियो मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, टेक्निकल एनालिसिस का भी वीडियो है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज ज्यादा नहीं है तो वो भी चेकआउट कर सकते हो आप जाकर। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि इन फ्यूचर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो ज्वाइन कर लेना। और पर अच्छा खासा हर रोज इंटरनेट कॉल्स आता है जिसके हेल्प से आप अच्छा खासा प्रॉफिट हर रोज जनरेट कर सकते हो। तो ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधा स्क्रीन पे जाएंगे और आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और एक लाइक जरूर करेंगे हमारे लिए। ओके गाइस, तो चलिए स्क्रीन पे। तो गाइज हम आ चुके हैं स्क्रीन पे पोजिशनल ट्रेडिंग का स्टॉक के वीडियो लेकर, स्टॉक आपको प्रोवाइड करेंगे। उससे पहले आपको बताते हैं प्रीवियस वीक में जो 5 स्टॉक दिया था उनमें से लॉस प्रॉफिट क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं विप्रो का स्टॉक। ओके गाइज, तो विप्रो का स्टॉक ले लिया। विप्रो में देखो, एक मिनट रुकना गाइज, पता नहीं पेन का क्या हो गया। ओके ओके, एक मिनट रुकना गाइज। ओके, आ चुका है। ओके गाइज, रेडी है बिल्कुल। तो देखो, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है विप्रो। ओके, विप्रो में मैंने बोला था 653.95 के ऊपर आपको बाय करना है और 620 के नीचे सेल करना है, बट इसके बीच में ही मार्केट रह गया तो हमारा इस पर ट्रेड जनरेट नहीं हुआ, ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। बाकी स्टॉक भी बताते हैं। उससे पहले गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ताकि इन फ्यूचर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। ओके गाइज, और कैसा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी ज्वाइन हो लेना। वहाँ पर अच्छा खासा इंट्राडे कॉल्स मिलता है जिसके हेल्प से अच्छा खासा प्रॉफिट हर रोज जनरेट कर सकते हो। और हमारा प्रीमियम ग्रुप भी है, वो ज्वाइन होना, तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करो, ऊपर व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल मिनिमम सा फीस है, वो करके मैक्सिमम प्रॉफिट हर रोज जनरेट कर सकते हो। तो अभी वीडियो पे आते हैं। बोला था कहाँ पर, HCL टेक पे बोला था मैंने 1151 के नीचे आपको शॉर्ट करना है और 1189 के ऊपर आपको बाय करना है। मार्केट ने देखिए यहाँ से यहाँ तक का सेल साइड में प्रॉफिट दे दिया है और बाइंग साइड के लिए कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया, तो इसमें भी थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा प्रॉफिट हमारा बुकिंग हो गया। अब चलते TCS पे। TCS ने हमको क्या दिया है अभी देखते हैं। तो देखिए गाइस, बोला था 3665 के ऊपर आपको बाय करना है और 3630 के नीचे आपको शॉर्ट करना है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ से यहाँ तक का आपको प्रॉफिट दिया, फर्स्ट एक बार चांस दे दिया मार्केट ने। ओके, सेकंड टाइम दोबारा यहाँ से यहाँ तक के लिए प्रॉफिट के लिए दोबारा मौका दिया। तो TCS ने हमारे एनालिस्ट के हिसाब से अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया। और जो लोग हमारे एनालिस्ट के हिसाब से ट्रेड किया और प्रॉफिट लिया, काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताना, तब हमको भी अच्छा लगेगा। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं लुपिन पे। तो देखो, लुपिन में भी हमारा शायद कुछ ट्रेड जनरेट नहीं हुआ है। ओके, बीच में ही रह गया। देखो, तो लुपिन में भी हमारा कुछ नहीं हुआ गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, लुपिन में बीच में रह गया। तो अभी तक 5 ट्रेड में हमारा 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, 2 में कोई मतलब प्रॉफिट जनरेट ही नहीं हुआ, ट्रेड ही जनरेट नहीं हुआ, प्रॉफिट क्या जनरेट होगा। ओके, उसके बाद हमारे पास है ये कौन सा है, ये है सिप्ला। तो सिप्ला में चेक करते हैं हम, सिप्ला में कितना प्रॉफिट हुआ। ये देखो गाइस, 908 के नीचे बोला था शॉर्ट करने के लिए, 927 के ऊपर बाय करने के लिए और सिप्ला ने यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट दे दिया है अच्छा खासा। तो हमने ट्रेड के एनालिसिस, 2 स्टॉक ने ट्रेड जनरेट नहीं किया, नो लॉस नो प्रॉफिट, और बाकी 3 स्टॉक ने ओनली प्रॉफिट दिया है। तो जिसने भी प्रॉफिट बुक कर, काइंडली कमेंट करके जरूर बताना। और अभी चलते हैं नेक्स्ट वीक के लिए जो स्टॉक है वो प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले SBI का, कि उस स्टॉक हम चूज़ किए हैं, कब बाय करेंगे वो सब कुछ बताएंगे। तो SBI स्टॉक देखिए लगातार ये नीचे आ रहा है, लगातार नीचे आ रहा है। ओके, लगातार डाउनसाइड में आ रहा है SBI कार्ड का स्टॉक।
आकर ये एक पॉइंट है जहाँ पर देखिए मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है। मार्केट जब भी ऊपर गया नीचे आया, आखिर यहाँ पर रिजेक्शन लिया दोबारा ऊपर गया, दोबारा ही पर यहाँ आया रिजेक्शन लिया दोबारा ऊपर गया, अब दोबारा ये नीचे आया यहाँ तक। ओके, तो अब क्या हो सकता है, फर्स्ट अटैम्प हुआ, सेकेंड अटैम्प हुआ, अब थर्ड अटैम्प है, तो फर्स्ट और सेकेंड अटैम्प के बाद ये थोड़ा सा वीक हो गया है, तो अभी ये ब्रेक हो भी सकता है, अदरवाइज नहीं भी हो सकता है। अगर ब्रेक नहीं होगा तो ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो हम बाय करके प्रॉफिट कमाएंगे, अगर इसको ब्रेक करके नीचे आएगा तो हम सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे, एकदम सिंपल। प्रॉफिट कहाँ तक हमको मिलेगा, ऐसा ही सेम पॉइंट्स नीचे भी है। देखिए ये पॉइंट जब भी मार्केट यहाँ पर आता है यहाँ से बाउंस बैक होकर ऊपर चलता है, तो दोबारा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने के बाद 100% श्योरिटी के साथ ये दोबारा बाउंस बैक होकर ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम क्या करेंगे इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे सबसे पहले। ओके, तो मार्क कर लिया, तो सिंपल इस पॉइंट के नीचे हम सेल करेंगे। और अगर हमको बाय करना होगा, रिजेक्शन लेगा, रिजेक्शन लेकर ऊपर जाएगा तो बाय करना, तब क्या करेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, इसका भी लेवल्स आपको प्रोवाइड करके देंगे। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, ध्यान से देखना। ओके गाइस, तो ये जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर हम बाइंग साइड के लिए जाएंगे। ओके, इसके हाई के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बनाएगा तो बाइंग साइड के लिए जाएंगे। 15 मिनट्स के चार्ट पे हम आ चुके हैं, तो देखिए नॉन स्टॉप मार्केट गिर रहा है, तो अभी भी मार्केट गिर सकते हैं, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। तो देखो गाइस, इसके नीचे तो हम करेंगे सेल, कोई दिक्कत ही नहीं है, और ऊपर है यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज, अगर इसको ब्रेक करता है तो मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो सकता है, ब्रेक होने के बाद ये ऊपर सेट की तरफ जाएगा, तो हम इसके ऊपर करेंगे बाय। तो लेवल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, इसके बीच में रहेगा तो आपको कुछ ट्रेड वगैरह नहीं करना है। और ये जो एरिया है ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस वाला एरिया है, और ये सपोर्ट वाला एरिया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में है, तो अगर सपोर्ट को ब्रेक करेगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो बाय करना, सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो सेल करना, प्रॉफिट बुक कर लेना, जो लेवल्स दिया है अच्छे से सेव कर लेना। नेक्स्ट हम चलते हैं सीमेंस पे। इस चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, वीकली चार्ट है, इस पे आपको दिख रहा होगा ऑल टाइम जो हाई है, ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के लिए जा रहा है, ऑल टाइम हाई पे है, तो अगर ब्रेक करेगा तो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा अपसाइड के लिए। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे आता है तो आपको इस लेवल तक प्रॉफिट मिल जाएगा। तो सिंपल ऑल टाइम हाई को आपको मार्क करना है, मार्क कर लिया, और नीचे अगर आएगा, कहा नीचे ये सपोर्ट वाला एरिया है, ये भी हमने मार्क कर लिया, यहाँ तक आ सकता है। ओके, अगर नीचे आता है तो अच्छा, हाई वॉल्यूम के साथ गया है ये, तो ब्रेक करने का पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे एक बार चलते हैं, देखिए हाई वॉल्यूम के साथ इसने ऊपर गया है, डायरेक्ट 200 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लिया और सीधा ऊपर गया, तो यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक ले भी सकता है, लेने के बाद भी ऊपर जा सकता है, अदरवाइज डायरेक्ट ब्रेक करके भी मंडे ऊपर जा सकता है। तो 15 के चार्ट पे चलते हैं और आपको लेवल्स फटाफट से दे देते हैं सीमेंस पे। आप ऑप्शन पे बाय करो, फ्यूचर्स पे या कैश पे बाय करके होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलना है, ये बात ध्यान देना। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर देखो ऊपर गया, मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपका फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न भी बन रहा है। ओके, तो अगर इसको ब्रेक करेगा मार्केट ऊपर जाएगा तो आप बाय करोगे, तो इस पे मैं लिख देता हूँ, इसके ऊपर आपको करना है बाय। ओके, यहाँ पर अगर बाय करोगे आप स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाओगे ये भी बता देते हैं आपको, छोटा सा स्टॉप लॉस होना चाहिए, टारगेट ज़्यादा होना चाहिए, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर लगेगा, इस पॉइंट के नीचे आप लगाना स्टॉप लॉस। ओके, और आप सेल कब करोगे बता देते हैं हम, ये देखिए ये एक पॉइंट है, इसके नीचे, इस पॉइंट के नीचे आप सेल करना, तो ये भी मार्क करके दे देते हैं आपको। ओके, ये वाला सपोर्ट जैसा होगा तो इसके नीचे आप सेल करना, और आपको टारगेट चाहिए होगा तो टारगेट के लिए फिबो को प्लॉट करके आपको टारगेट में प्रोवाइड कर ही देता हूँ उनको। ओके, एकदम स्विंग लो से स्विंग हाई तक दे दिया, और फर्स्ट टारगेट आपको अपसाइड के लिए दे दिया। ओके, सिंपल है, समझ में आ रहा है, अगर कुछ दिक्कत है तो फटाफट कमेंट करके पूछो। ओके, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड लेना है। ओके, सिंपल दे दिया, इसके ऊपर बाय, इसके 2469 के ऊपर बाय करना है, 2388 के नीचे आपको शॉर्ट करना है या सेल करना है, और उसके बाद होल्ड करना है। आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा इसको नेवगन कर देते हो, क्यू बोल रहा हूँ मैं, इसके नीचे जहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला इसके नीचे सेल करना, अगर इसके नीचे आ जाता है तो यहाँ पर कोई भी सपोर्ट वाला एरिया नहीं है, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट फ्री फॉल होगा, मार्केट इजीली प्रॉफिट बुक कर सकते हो, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नेवगन करके दे दिया। ओके गाइस, आपके लिए जो नेक्स्ट चलते हैं डिश टीवी, तो डिश टीवी में ये जो पैटर्न है देखो आपको क्या शो हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा था कंटिन्यू, देखो मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर रहा था। ओके, कंटिन्यू नीचे गिर रहा था कंटिन्यू, अब धीरे धीरे मार्केट क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है, ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, और ऊपर की तरफ कैसे जा रहा है ये भी देखो, चार्ट पे हमेशा हिस्ट्री रिपीट होता है, ये बात बिल्कुल ध्यान देना, ध्यान में रखना है। मार्केट देखो ऊपर जाता है,
थोड़ा सा पुल बैक लेकर नीचे आता है, ऊपर जाता है, दोबारा पुल बैक लिया, नीचे आया और ऊपर गया कितना, सेम पॉइंट्स में ऊपर गया, ओके। दोबारा पुल बैक लिया, दोबारा ऊपर गया कितना, इसका जो हाई है सेम हाई पे गया है, दोबारा नीचे आया, दोबारा देखो इसका जो हाई है हाई को ब्रेक करके ऊपर गया। अब दोबारा ये इसको ब्रेकआउट देने के बाद दोबारा पुल बैक लिया और दोबारा ऊपर जा रहे, ऊपर कहाँ तक जा सकता है, देखो इसका जो हाई है ये हाई तक इजीली ये पहुँचेगा, उसके बाद दोबारा ये पुल बैक लेकर नीचे आ सकता है, दोबारा इसका हाई जो है ब्रेकआउट कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, एटलीस्ट देखो ये वाला जो अप मूव है, अप मूव भी इतना तक टारगेट दे दिया था, ओके। जो नेक्स्ट अप मूव है तो प्रीवियस अप मूव जो स्विंग हाई है उतना तक प्रॉफिट दे दिया, तो अभी ये जो स्विंग हाई है ये दोबारा ये स्विंग हाई तक पहुंच सकता है, यहाँ से यहाँ तक इजीली पहुंच सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी है। तो 2-3 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। अगर आप ऑप्शन में बाय करोगे तो क्वांटिटी लॉट साइज ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, आप ऐसे भी बाय कर सकते हो। और ये अच्छा हाई वॉल्यूम के साथ कैंडल फॉर्म हुआ है, 20.70 रुपीज़ में आप कैश में भी बहुत सारा क्वांटिटी बाय करके रख सकते हो, इंटर में भी ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन में फ्यूचर में भी काम कर सकते हो। तो इसलिए ये थोड़ा सा पेनी स्टॉक है, फिर भी आपको दे रहा हूँ मैं, वैसे पेनी स्टॉक में सजेस्ट नहीं करता, फिर भी थोड़ा सा प्रॉफिट मुझे दिख रहा है यहाँ पर, अगर आप एंटर करोगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट मिल सकता है, तो आप एंटर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस आपको लगाना ज़रूरी है बिल्कुल। स्टॉप लॉस आप कहाँ पर लगाओगे मैं बता देता हूँ, स्टॉप लॉस ये जो गैप है ये गैप पर लगाओगे, ये जो बड़ा सा कैंडल बना है इस कैंडल के हाई पे आप स्टॉप लॉस लगा देना, ओके ध्यान रखना, और इसके ऊपर बाय। तो आप फ्यूचर के चार्ट पे चलते हैं, ओके सिंपल आपको यहाँ पर बाय करना है, इसके ऊपर बाय। सेलिंग साइड के लिए भी मैं दे देता हूँ, मार्केट कब नीचे गिरे किसी को भी नहीं पता होता, तो आप इसके नीचे सेल भी कर सकते हो, ओके। अगर स्टॉप लॉस यूज होता है, रीएंटर का चांस मिलता है, रीएंटर लेने में घबराना मत, जरूर रीएंटर लेना। तो अब चलते हैं हिंद कॉपर में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है मार्केट देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया, ऊपर गया, अब धीरे 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 नीचे आ रहा है। देखो क्या बनाया है, हायर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, ऐसे लोअर हाई बनाकर मार्केट नीचे आ रहा है। तो अगर एक ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट सपोर्ट करता हुआ नीचे आ रहा है, देखो। तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है, ओके। और देखो सपोर्ट पे आकर इसने टच किया, उसके बाद कंटिन्यूएशन दिया ऊपर की तरफ, मतलब बुलिश कंटिन्यूएशन दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस पे सपोर्ट को मार्क करेंगे, सिंपल है, सपोर्ट को मार्क करना आपको आता ही होगा। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको नहीं आता है तो हमारा वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है हमने, तो वो वीडियो चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक। तो देखो फर्स्ट कैंडल रिजेक्शन लिया है, ये वाला ग्रीन कैंडल, उसके नीचे ऊपर ये कैंडल कंटिन्यूएशन हुआ है, तो इसके हाई के ऊपर आप सीधा बाइंग के लिए चलोगे, बाय करोगे, और आपका टारगेट होगा इस कैंडल का हाई, ये जो रेड कैंडल स्पाइक बना है इसका हाई कैंडल आपका हो जाएगा टारगेट। तो हम मार्क कर लेते हैं इसका, हो गया, सिंपल चलते डेली टाइम फ्रेम के टाइम फ्रेम पे ही चलते, डेली टाइम फ्रेम पे चलने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, ओके। थोड़ा सा टारगेट बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलना, अगर 50-60% भी अचीव हो जाते तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, या फिर भी आपको ऑप्शन करो या फ्यूचर्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना मैं बोल देता हूँ आपको, ये 200 मूविंग एवरेज का जो लाइन है, इस 200 मूविंग एवरेज आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर इसको ब्रेक करके नीचे आएगा तो आप सेल साइड में जाओगे, सेल करोगे, ओके। अभी मैं सेलिंग के लिए कोई भी मार्क करके नहीं बताऊँगा, नहीं आप लोगों का भरोसा नहीं है, कब आप लोग भूल जाओगे, तो फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया सेल साइड के लिए, ओके, गारंटी नहीं है आप लोगों का, तो मैंने सेल साइड के अभी पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल अलार्म, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो हमारे पास है नेशनल अलार्म का, ओके सिंपल है। यहाँ पर भी देखो मार्केट ऊपर जाता है, पुल बैक लेता है, ऊपर जाता है, पुल बैक लेता है, और यहाँ पर क्या कुछ हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न फॉर्म करने जा रहा है, ओके, फॉर्म अभी तक नहीं हुआ है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही इसको फॉर्म करने जा रहा है। अगर इसके बारे में पता नहीं है तो ये जो पैटर्न है इसके बारे में वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया 2 दिन पहले, वो वाला वीडियो चेक कर सकते हो आप प्लेलिस्ट पे जाकर। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म करके अगर ब्रेकआउट देता है तो हम सेल करेंगे, अगर ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे। उसके लिए सबसे पहले नीचे सपोर्ट मार्क करना पड़ेगा, या पर भी अगर आप ध्यान से देखो तो सपोर्ट से एक कैंडल रिजेक्शन लेकर ऊपर गया और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल इसके हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, तो आप बाय कर सकते हो और आपका जो टारगेट है वो यहाँ तक हो सकता है, ओके। तो हम सीधा चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, देखो डेली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर आपको करना है बाय, क्योंकि ये देखो
अच्छा खासा रेजिस्टेंस वाला एरिया है, इसको ब्रेक करेगा तो हम बाय करेंगे। फिर उनके चार्ट पे चलते हैं। ओके यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। ओके एक ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसे, तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद दोबारा ऊपर गया। तो आप एक काम करना, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सेलिंग के लिए बता दिया आपको, इसके नीचे ही सेल करना, कोई दिक्कत नहीं है, बस सेल कर देना इसके नीचे। और अगर आपको बाय करना है, नेवगन करके दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल ध्यान रखना, इसके ऊपर बाय कर लेना। ओके जो जो स्टॉक देता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा प्रॉफिट देता है, इसलिए ध्यान रखना, हमारा एनालिसिस फॉलो करना। तो गाइस कंप्लीट हो चुका है, जो लेवल्स दिया है अच्छे से सेव कर रखना। तो वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो एक लाइक जरूर करना, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और गाइस हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि इन फ्यूचर आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। हैव अ गुड डे।